सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप देख सकते हो दोस्तों, मेट्रोफॉल वाल्व जो होता है, पुश वाल्व आप उसको बोल सकते हैं, उसे मैं आपको फिट करके बताऊंगा। साथ ही साथ सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं मेट्रोफॉल वाल्व निकाल चुका हूँ। उसके बाद मैं आप देख सकते हो इसमें कैटलॉग में दिया हुआ है कैसे आपको क्या करना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मेट्रोफॉल वाल्व के साथ में एक ये आउटलेट का एक यूनियन दोस्तों आता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें वासर रहता है, ये आउटलेट में रखता है दोस्तों, ठीक है। उसे आप लगवा सकते हो, आप नहीं भी ला सकते हो। अगर उसे आपको लगाना है तो आपको 100 का आपको एपीबीटी लगेगा, नहीं लगाना है तो आपको मेट्रोफॉल में 100 इंच का एपीबीटी, 150 का एपीबीटी आपको लगाना है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका कवर भी आपको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो इसके अंदर जो बॉडी कैसा रहता है, ठीक है। और एक बार देख भी लेना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये बॉडी अंदर लगा हुआ है। उसके बाद में ये दोनों तरफ दो ये स्क्रू सिस्टम है, एलिंकी सिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार पेचेस आपको ठीक से, यहाँ पे लूज था थोड़ा, मैं इसको फिट कर देता हूँ। उसके बाद में मैं इसको इसका जो बॉडी है फिट करता हूँ दोस्तों। वीडियो के एंड तक शेष तक जरूर देखिएगा, मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स के साथ में फिट करके बताऊँगा, दीवार से दूरी कितना रखना है मेजरमेंट में आपको बताऊँगा दोस्तों। उसके बाद में इसका मैं ये कवर लगा देता हूँ दोस्तों। ये कवर जो है लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो जो है ये मेट्रोफॉल पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी दिया हुआ है, आपको दीवार से कितना बाहर रखना है ये सब इस कवर के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। मैं ये कवर को जो है तो कवर का दोनों स्क्रू को मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टिकर दिया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, जो आपको दीवार से कम इतना बाहर रखना है या अंदर रखना है उसके हिसाब से मिनिमम मिक्स। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं जो है इसका जो रिंग का यूनियन उसको मैं फिट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों कंसील में इसको जो यूनियन का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कंसील में फिट करने वाला हूँ और दोस्तों यूनियन लीकेज करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। और दोस्तों इसके बदले में मैं 150 का FABT मंगवाया हूँ, उसको मैं लगा देता हूँ ब्रास का। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों FABT मैं फिट करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं दोनों में थ्रेड सील टेप यानी टेफ्लॉन टेप मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तो आपको टाइट हैंड से टाइट दोस्तों हाथ से ऐसे आपको टेफ्लॉन टेप लगा लेना है MMET और मेट्रोप्लस का जो आउटलेट में जो FABT लगे वो दोनों में सबसे पहले टेफ्लॉन टेप लगा लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है टेबल टेप, ताकि कंसील में रहेगा तो ये लीकेज ना हो जाए। और दोस्तों टाइट हैंड से लगाना है, एक कम से कम एक दोस्तों 150 का जो MABT है उसमें एक से ज़्यादा टेबल टेप लग जाता है, यहाँ पे भी देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये आउटलेट का मैं FABT लगाने वाला हूँ, इसमें मैं टेबल टेप लगा देता हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेट्रोफॉल के बारे में, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों CBBC का मैं सॉल्यूशन लगा देता हूँ, ताकि सही से दोस्तों फिट हो जाए, ठीक है, और लीकेज करने का बिल्कुल भी चांस ना हो। तो दोस्तों मैं 150 का पहले इनलेट की यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमेशा आपको ध्यान रखना है इनलेट में जो है MABT लगता है और आउटलेट में FABT लगता है दोस्तों। इसका आपको ये आप फिट करते समय आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका इनलेट आउटलेट में एरो भी दिया हुआ है, और एरो आप नहीं देख सकते हो तो इनलेट में जो है मेट्रोप्लस का हमेशा MABT लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं 18 इंच पाना से इसको सही से टाइट कर देता हूँ दोस्तों। इनलेट के लिए जो है MABT में लगा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आउटलेट ये देख सकते हो दोस्तों, ये आउटलेट है, आउटलेट में FABT लगता है। यहाँ पे आप यूनियन जो दिया हुआ है वो भी डाल सकते हो, या फिर 150 का FABT आप लगा सकते हो। मैं 150 का FABT दोस्तों लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आपको दोनों साइड का MABT को टाइट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बैलेंस रख के आपको ऐसे टाइट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ऐसे आपको फिट कर लेना है MABT। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बाथरूम में जो पाइपलाइन है इसके बाद इसको फिट करके बताऊंगा दोनों टाइट होने के बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों लग गया है, ठीक है। और दोस्तों ये मेट्रोफॉल वाल्व जो है 100 इंच का है दोस्तों। मेट्रोफॉल वाल्व जो है ज़्यादातर फ्लश के लिए जो है 100 इंच का 150 इंच का आता है,
यहाँ पे भी देख सकते हो मैं 100 इंच का मेटोबॉल वाल्व मंगाया हूँ दोस्तों। 100 इंच का सबसे अच्छा रहता है बाथरूम में कंथील वायरिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस बाथरूम में मैं फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो घीसी में पहले से काट के रखा हूँ। और दोस्तों क्योंकि ये दोस्तों सबसे नीचे वाला बाथरूम है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम है, तो मैं इसे यहाँ पे दोस्तों 1 इंच का पाइप से करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान होता है दोस्तों मेटोफॉल वाल्व में। पानी का प्रेशर आपको अगर जितना आप ज़्यादा दे देते हो तो पुश करने के बाद में उतना ज़्यादा पानी इसमें से निकलता है। तो दोस्तों मेटोफॉल वाल्व जो है मैं दीवार से 34 इंच में लगा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों पाली बनने वाला है। आप 28 से 30 इंच के भीतर तक अंदर तक आपको रखना है। अगर आपको पाली बनाना है तो दोस्तों मतलब वाले इंक कमोड में फिट करने वालों, तो यहाँ पे दीवार में एक पाली आएगा 6 इंच का, तो उसके हिसाब से मैं दोस्तों 34 इंच में ये दीवार से इसको रख रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि 100 का माल में मैं 1 इंच का लाइन कर चुका हूँ। उसके बाद में दोनों साइड में इनलेट आउटलेट में इनलेट में मैं बुशिंग 1.5 का बुशिंग मार रहा हूँ। और दोस्तों आउटलेट में दोस्तों 100 का है क्योंकि 1.5 का बुशिंग, और आउटलेट में दोस्तों यहाँ पे आउटलेट जो है क्योंकि आउटलेट में दोस्तों अगर यहाँ पे 1.5 का FFBD लगता है 1.25 का मेट्रोपोल वाल्व में, तो इसमें मैं 1.25 का बुशिंग लगा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एरो का ध्यान रखना है, पानी जिधर जाएगा आपको एरो साइड आपको लगाना है। उसके बाद में दोस्तों मैं दीवार से यहाँ पे आप देख सकते हो मेट्रोपोल वाल्व को ऐसे नाप लेता हूँ, ठीक है। दीवार से 34 इंच में बिठा कर आपको ऐसे नाप लेना, जैसे मैं दोस्तों नाप रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो 8.5 इंच का ये टुकड़ा आ रहा है CPVC पाइप का, ठीक है। दोस्तों मैं पूरा जो बाथरूम है CPVC का कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बंगला का काम है ज़्यादातर दोस्तों, पूरा जो काम है वो CPVC का होता है। आप UPVC भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ठंडा पानी का कनेक्शन है। आप UPVC भी कर सकते हो या फिर आप CPVC भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं इनलेट का जो MMET है MMET में बुशिंग लगा चुका हूँ। उसके बाद में इसे मैं फिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये कनेक्शन। और दोस्तों नीचे से जो आपको हाइट रखना है मेट्रोबल वाल्व का वाले इंकोमेंट के लिए, मैं ये 2 फीट में रख रहा हूँ। आप देख सकते हो ये 2 फीट यहाँ पे एक डोरी आ रहा है, और डोरी का सेंटर में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि नीचे से 600 mm यानी 2 फीट में यहाँ पे डोरी आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फिट हो गया है। फिट होने के बाद आपको एरो का आपको जैसे ध्यान रखना है, एरो इधर पानी जाएगा उसके हिसाब से मैं एरो को लगा चुका हूँ। और ये दोस्तों मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हो ये 1.5 इंच का पत्थर में दीवार में बिठा के आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम से ये दीवार से मैक्सिमम मिनिमम इंच बाहर है, तो जो है आसानी से अपर प्लेट इसमें लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों ये मैं आउटलेट का टुकड़े को लगा देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट करने भूल जाते हो वीडियो में, आपको वीडियो में आपको कमेंट करके बताइएगा आपका राय क्या है और आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो है मेट्रोपोल वाल्व का जो इनलेट कनेक्शन हो गया, उसके बाद में आउटलेट का जो वाल्विंग कोमोट के लिए दोस्तों WC के लिए पॉइंट जाएगा, उसका मैं आउटलेट भी कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों मेट्रोपोल वाल्व जो होता है, आप बहुत कोई सारे भाई सवाल करते हैं जो खड़ा आड़ा में नहीं लगता है। दोस्तों बाथरूम का प्लानिंग के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप खड़ा आड़ा आप किसी भी तरह से आप मेट्रोपोल वाल्व जो है ये लगा सकते हो दोस्तों, कोई आपको आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसी बात में दोस्तों दीवार से आपको यहाँ पे देख सकते हो वाले इंकोमोट का पॉइंट 19 इंच से मैं सेंटर करके ये जो आउटलेट का पॉइंट है इसको मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टुकड़ा को मैं काट चुका हूँ, उसके बाद में इसे फिट कर देता हूँ। दोस्तों पहले पाइप में और बाद में फिटिंग्स में आपको इसे लगा देना है और लगा के दोस्तों ठीक है फिट करना है। पहले ध्यान रखना है हमेशा दोस्तों कोई भी काम में, पहले जो सॉल्यूशन है पहले आपको पाइप में लगाना है, क्योंकि आप पहले अगर फिटिंग में लगाते हो तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है वो अंदर चला जाता है पाइप के अंदर, ठीक है। पाइप के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पहले पाइप में आपको लगाना है, उसके बाद में जो बचता है उसको आपको फिटिंग के अंदर लगा देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल है दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।